आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पेंट ब्रश टूल, और फिर पेंट ब्रश टूल के साथ ही हम लोग आइसक्रीम क्रिएट करेंगे। हम लोग ब्रश स्ट्रोक्स के साथ जो है एक कोट डिज़ाइन करेंगे, और फिर फर्दर जो है मैं आप लोगों को रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट टूल में वो बताऊंगी, और एट द एंड हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखेंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो एक और ऑप्शन बताने वाली हूँ वो हम लोग यहाँ पर अपना देखेंगे पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल जो है उसके साथ आप कुछ भी फ्रीली ड्रॉ कर सकते हो, या फिर अगर कोई टेक्स्ट भी लिखना चाह रहे हो कैलीग्राफी टाइप आप वो भी कर सकते हो, सही है। इसके साथ आप लोग अपने करेक्टर या शेप्स भी क्विकली ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पर पेंट ब्रश टूल जो है इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखो इसकी बी शॉर्टकट की है, खैर मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। अब जो आपकी क्लोज और स्टार्ट ब्रैकेट वाले ऑप्शंस होते हैं इन्हीं दोनों के थ्रू आप इसको जो है इसका साइज़ ज़्यादा कर सकते हो और कम। मैं खैर यहाँ पे ला कर रफली मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, तो आप ये देखो इस तरह से लिख रहे हैं। खैर मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा कर अब लिखती हूँ, ये देखो आपको आइडिया हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर आप लोग विंडो में आओ और ब्रश का जो है यहाँ पर पैनल ओपन करो, तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी मज़े के ऑप्शंस मिलेंगे। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ, लेकिन इन ऑप्शन से पहले यहाँ पर आप देखो आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सही है। हम लोग इन तीनों को अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स सी, मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया और मैं बी प्रेस करके ब्रश टूल लिया और मैं यहाँ पर जो है ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और मैं ड्रॉ करती हूँ, और अब मैं इसे सेलेक्ट करके ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो क्या फ़र्क आ रहा है तीनों में। अब आप देखो कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये देखो इसमें ये जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये आप ही एक स्ट्रेट सी लाइन ली, यानी कि अगर आपने कुछ उर्दू में लिखना है ना कैलीग्राफी टाइप, तब आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इन लोगों को रिमूव करती हूँ और हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हैं, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब उर्दू में आप कुछ भी लिख सकते हो, ईद मुबारक, रमज़ान करीम, या आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हो उर्दू में। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मेक श्योर ब्रश टूल सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ पर जो है कुछ उर्दू में लिखती हूँ। ये ऑलरेडी आप देखें इसको स्मूथ कर देता है। लाहौर। अब इसके अलावा एक और बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि आप जो है इसके अंदर जो है ये देखें यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर इसमें ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बड़े मज़े के ऑप्शंस हैं, आप ये देखें जी। अब मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये आप देखें जैसे कि ब्रश के साथ स्ट्रोक्स लगाई हुई हैं। हम लोग चाहें तो उनको पहले जो हमने लाइन्स लगाई हुई मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन थी, इसमें ये चेंज आ जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप ये देखें, फिर अगर हम लोग इस पर क्लिक करें तो आप ये देखें ब्रश स्ट्रोक जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर देखें मैंने इस पर क्लिक किया, तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ कंट्रोल प्लस करके, तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ, ये टेक्सचर टाइप सा जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ब्रश लाइब्रेरी में अगर आप जाओ तो यहाँ पर आपको बड़े मज़े के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आपने ब्रश का पैनल आपका सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो आप देखो यहाँ ओपन ब्रश लाइब्रेरी आ रहा है, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं बॉर्डर के लिए, डेकोरेटिव, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है अपने ये वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ, आप ये देखो ये यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप लोगों ने ये करना है कि लाजमी इसकी लाइब्रेरी जो है ना अपना ब्रश टूल सेलेक्ट करके इस लाइब्रेरी को जो है आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एंड मेक श्योर ये जो भी आप इसको निब बोल सकते हो ना, ईजीएस्ट वे, आसान लफ्ज़ों में, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करती ताकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जितना अभी ईजीएस्ट होता है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए वो ऑप्शन जी। हम लोग इसको यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और मैं यहाँ पर जो है ड्रॉ करती हूँ, और इसको सेलेक्ट कर कर जो है हम अपने जो यहाँ पर ये यह देखो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं, इन सब को आप जो है वो
चेक करना, आपको आइडिया होगा कि आप इससे और क्या कुछ कर सकते हो। अब हम लोग ये करते हैं कि अपना ब्रश जो है उसी की आप लोगों ने मेनली जो है प्रैक्टिस करनी है, तो आप काफ़ी कुछ बना सकते हो। तो जी हम लोग अपना ब्रश टूल अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रश पैनल भी ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल जो है ब्रश वो ले रही हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इसकी बेसिक जो लाइन है वो ले लेती हूँ। और हम लोग यहाँ पर क्विकली जो है एक आइसक्रीम ड्रॉ करके देखते हैं। मैं माउस यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर आपने ज़्यादा काम करना हो तो माउस से आप करोगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो आप इजीली उसके पेन के साथ जो है वो ड्रॉ कर लेते हो। अच्छा जी, मैं यहाँ पर जो है आइसक्रीम ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल जो है वो ये शेप हमने बना दी। अब आप ये देखो कि ये लोग जो है कंबाइन नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगी यहाँ पे और मेक कंपाउंड पाथ करूँगी। इसने क्या किया, ये क्या करेगा, इन दोनों को इसने जो है एक ही पाथ बना दिया। अब अगर मैं इसको फिल कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर कलर करती हूँ, हम लोग यहाँ से जो है इसके अंदर पिंक कलर कर लेते हैं और स्ट्रोक इसका जो हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। फिर अगर हम यहाँ आए, इसको हम लोग कर लेते हैं ब्राउन और मैं इसका फिल कलर कर देती हूँ और मुझे इसकी स्ट्रोक भी चाहिए। यहाँ से मैं इसकी स्ट्रोक सेलेक्ट करती हूँ और मेक श्योर कि मैं इसको जो है अरेंज में सेंड टू बैक कर दूँ, ठीक हो गया। और मुझे स्ट्रोक इसकी ज़्यादा लग रही है तो स्ट्रोक जो है वो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो कम करूँगी। आइसक्रीम जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब हम लोग ये करते हैं कि इसकी स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल माइनर जो उस पर ले आते हैं और इसको मैं यहाँ पे ऐसे करते हैं। यहाँ पे अब हम एक छोटी सी चेरी भी बना देते हैं। और ब्रश को ही सेलेक्ट किया मैंने और मैंने यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट किया और जी मैं जो है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और एनहांस करती हूँ जैसे मुझे सही लगे, ये देखें, ताकि जो हमारी आइसक्रीम है वो और थोड़ी सी आइसक्रीम लगे। यहाँ पर जी मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ ब्राउन कलर अगेन और यहाँ हम जो है आप इसको फ्री हैंड के साथ रफली सा जो है ड्रॉ कर सकते हो। और मैंने वो वाइट सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर जो है दैट्स इट। फिर हम लोग जो है यहाँ से ब्राउन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अब ये देखो कि हमने क्विकली जो है अपनी एक आइसक्रीम जो है वो ड्रॉ कर ली है। यहाँ मैंने क्लिक किया ओपन ब्रश लाइब्रेरी और अदर लाइब्रेरी पे अब क्लिक किया। तो अब ये देखो, जब आप अपना इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करोगे उसके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रीसेट इंस्टॉल हो गए होंगे। यहाँ से मैं सेलेक्ट करने वाली हूँ वेक्टर ब्रश का पैक और मैं सेलेक्ट करती हूँ ये ऑप्शन और मैं इसको करी ओके। जब मैंने इसको ओके किया तो आप ये देखो
यहाँ पर आपको ये इसके डिफरेंट इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सेम इसकी कॉपी ले लेती हूँ, यहाँ आप ड्रॉ भी कर सकते हो, मैंने इसमें ये अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब मैंने इनकी कॉपीज ले ली और मैं इनका कलर जो है वो चेंज कर देती हूँ। इसको सेलेक्ट किया, अब इसे सेलेक्ट किया, इसका कलर चेंज कर देते हैं। मैं फिर इन दोनों की कॉपी ले रही हूँ, कंट्रोल डी किया तो इसकी फर्दर जो है वो कॉपीज बनती जा रही हूँ। इसको मैंने कर दिया है क्लोज, और अब हम जस्ट इन बार स्ट्रोक के साथ जो है एक कोटेशन जो है वो लिख कर देखते हैं। कलर इसके हम और फर्दर चेंज कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा ग्रे कर देते हैं, इसको हम ग्रीन्स में ले जाते हैं ताकि और कलरफुल लगे। यहाँ हम लोग ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक है 1, मैं अगर इसको बढ़ाऊँ तो क्या हो रहा है, ठीक है, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। मैं इसकी लेंथ भी मैं ज़्यादा कर देती हूँ। अब हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट डू, मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ ले आते हैं, फिर से हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। इनको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा रेगुलर से कर रही हूँ बोल्ड। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ब्रश स्ट्रोक के साथ ही कलरफुल सी जो है कोट डिज़ाइन कर ली है। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट, मैंने आप लोगों को टेक्स्ट टूल पढ़ा दिया था, लेकिन टेक्स्ट टूल में एक और अच्छा ऑप्शन है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया गर्ल ग्राफिक्स। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर आओ, ये देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है मेक एनवेलप, ठीक है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्लिक, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये अलग से विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पर रैप ऑप्शन जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब आप देखो आपका पहले गर्ल ग्राफिक्स यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ था, अब ये थोड़ा कर्व में आपको नज़र आ रहा है। अब ये वाला जो इफेक्ट है अक्सर लोगोस पर जो है वो अप्लाई हुआ हुआ होता है, यहाँ आप इसको फ्लायर या ब्रोशर्स पर भी देखते हो। इसके फर्दर जो ऑप्शंस है वो हम देख लेते हैं। अब अगर हम आर्क अपर में आए, ये देखें लोअर में आ गए, फिर अगर हम अपर में आ जाएं तो आप ये देखो इवन यहाँ पर एक फ़िश आए का, ये देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो फ़िश आए का स्टाइल जो है वो आपको इस पर अप्लाई हुआ नज़र आ रहा है। आपने ये सारे ऑप्शंस में इनको क्लियरली खुद जो है वो ज़रा एक्सप्लोर कर लेना। अब जो नेक्स्ट हम लोग टूल देखने वाले हैं वो मेरा सबसे फेवरेट टूल है, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है एग्जैक्टली आपके मूव टूल के साथ अवेलेबल है। जैसे मूव टूल का एरो ब्लैक है तो इसका एरो जो है वो है वाइट। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप ये देखो कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है उसको सेलेक्ट कर लिया। आप देखो जब मैं अपने ऑब्जेक्ट पे लाकर क्लिक कर रही हूँ तो आप ये देखो आपको यहाँ पर डिफरेंट जो है नोड्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर माउस ला के रखो तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, ये इसके एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है, और फिर ये एंकर पॉइंट्स तो हैं ही, जब मैं एंकर पॉइंट पर क्लिक कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, साथ ही आपको ये लाइन के साथ डॉट लगा, इसको बोलते हैं हैंडल्स, ठीक है। अगर मैं
सबसे पहले यहाँ पर एंकर पॉइंट पर क्लिक करके इसको ज़रा मूव करके या चेंज करके देखूँ तो हम देखते हैं कि क्या होता है। मैंने इसको थोड़ा सा आगे किया, इसको हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं। तो आप देखो क्या हुआ, जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ था मैंने उसको ईजीली एक एग की शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आप यही कर सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ की और मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेती हूँ और मैंने यहाँ से इसका जो है नोड को सिलेक्ट किया, तो आप देखो मैंने इसकी शेप जो है वो टोटली चेंज कर ली। अब सेम इसी तरह मैंने आप लोगों को पहले पेंसिल टूल पढ़ाया था, पेंसिल टूल हमने लिया यहाँ से और मैं यहाँ पे फ्रीली जो है कुछ ड्रॉ करती हूँ। अब मैंने इसको फ्रीली तो ड्रॉ कर लिया, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके जब इधर क्लिक करती हूँ तो आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट एंकर पॉइंट्स के साथ मिलकर बना होता है। ये देखो इसके अंदर ये सारे एंकर पॉइंट्स हैं। अब मैंने अगर यहाँ से एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट एंकर पॉइंट्स के साथ मिलकर बना होता है, यहाँ से इसका एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और जैसे एंकर पॉइंट पे क्लिक किया यहाँ पर इसके हैंडल्स अवेलेबल हैं। अब जब मैं इसके हैंडल को मूव करी तो क्या हो रहा है, आप देखो आप इसकी शेप को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट की, ये देखिए ये इसको हैंडल को मैंने पकड़ा, यहाँ से इसको देखा। अब आप देखो आपकी शेप में अगर पेंसिल से आपने ड्रॉ किया और आपकी शेप कुछ शेकी हो गई तो उसको आप बेहतर करने के लिए जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हुए उसके एंकर पॉइंट्स और हैंडल्स के साथ उसकी शेप को जो है मज़ीद स्मूथ कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक और लास्ट जो है वो एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह से काम करेगा। मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और मैंने इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ से प्रेस कर दिया डिलीट और मैं इसका कलर जो है स्ट्रोक से कर दूँगी फिल कलर। तो आप देखो क्या हुआ, इसने हमारी सिंपल सी जो रेक्टेंगल शेप थी उसको हमने उसका एक एंकर पॉइंट रिमूव किया तो कन्वर्ट कर दिया है रेक्टेंगल में।